भृगु ऋषि ने इसलिए मारी थी लात भगवान विष्णु को। भृगु ऋषि महर्षि परशुराम के पूर्वज थे, भगवान शंकर के साढ़ू थे, अर्थात उनकी पत्नी का नाम देवी ख्याति था और भगवान शंकर की पत्नी देवी सती थी। दोनों ही ब्रह्मा जी के मानस पुत्र दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। एक बार कुछ ऋषि मुनि सरस्वती नदी के किनारे यज्ञ कर रहे थे, वहाँ देव ऋषि नारद भी पधारे। जब यज्ञ पूर्ण हुआ तो नारद मुनि पूछने लगे कि यज्ञ का पुण्य किस देव को मिलेगा, ब्रह्मा, विष्णु या शिव को। अब सब सोचने लगे कि तीनों देवों में कौन सबसे श्रेष्ठ है, उसी को यज्ञ का पुण्य मिलना चाहिए। तय हुआ कि तीनों देवों की परीक्षा लेनी चाहिए, कौन से देव त्रिगुण अतीत हैं। अब कौन है ऐसा जो तीनों देवों की परीक्षा ले सके। आखिर भृगु ऋषि को चुना गया। भृगु ऋषि सबसे पहले अपने पिता ब्रह्मदेव के पास गए। उस समय ब्रह्मदेव देवी सरस्वती के साथ वार्तालाप कर रहे थे। जब भृगु ऋषि वहां पहुंचे तो ब्रह्मदेव से कहने लगे कि तुम्हें अतिथि का सम्मान करना भी नहीं आता, आपसे ये भी ना बना कि अतिथि के सम्मान में खड़े ही हो जाएं। ब्रह्मदेव गुस्से से बोले कि तुम अपने पिता से आतिथ्य की इच्छा रखते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। पिता का आदर करना तो तुम भूल ही गए हो, उनसे आदर चाहते हो। फिर उन्होंने ध्यान योग से देखा तो पता लगा कि ये किस वजह से आए हैं और कहने लगे कि पुत्र, मुझ में रजोगण की अधिकता है, मैं त्रिगुणा तीत नहीं हूँ। अब भृगु ऋषि भगवान शंकर के पास गए। भगवान शंकर उस समय माता पार्वती के पास कैलाश पर थे। भृगु ऋषि को देखते ही आलिंगन के लिए अपनी भुजाएं फैला दी, लेकिन भृगु ऋषि कहने लगे कि तुम्हारा अमंगल वेश गले में नाग है, शमशान की राख को शरीर में लपेटे हुए हो, मैं तुमसे गले नहीं मिल सकता। इतना सुनना था कि भगवान शंकर क्रोध से भर गए और त्रिशूल लेकर भृगु ऋषि के पीछे भागे। बड़ी मुश्किल से माता सती ने उनका क्रोध शांत किया। भगवान शंकर में क्रोध तत्व अधिक था। अंत में भृगु ऋषि भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी के गोद में सर रखे आंखें बंद कर आराम कर रहे थे। ये देखते ही भृगु ऋषि ने उनकी छाती में लात मारी और कहा कि तुम यहाँ लेटे हो, आराम कर रहे हो, तुम्हें इस पृथ्वी पर रहने वालों की चिंता नहीं है। अचानक लात के प्रहार से भगवान विष्णु जी खड़े हो गए और एकदम ऋषि के पैर पकड़कर बोले, ऋषिवर, आपको चोट तो नहीं आई, मेरी वज्र के समान कठोर छाती है। भगवान विष्णु भृगु ऋषि के पैर को सहला रहे थे। ये देखकर देवी लक्ष्मी को अच्छा नहीं लगा, पर दूसरे ही क्षण भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु के पैर पकड़ लिए कि आप त्रिगुणातीत हो, अतः यज्ञ का पुण्य भगवान विष्णु को मिलना चाहिए। यदि आपको यह स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।